क्यामत के दिन ऐलान होगा। सबर वाले खड़े हो जाओ, एक छोटी सी जमात खड़ी होगी मर्दों औरतों की, चलो जन्नत में जाओ। अब अल्लाह उनको ना हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आगे फरिश्ते बैरियर पे रोक लेंगे, भाई रोको भाई, अब लोग कहां जा रहे हैं? जन्नत में जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं? अरे भाई अभी तो हिसाब ही नहीं शुरू हुआ, तुम्हें किसने कहा जन्नत में जाओ? पहले हिसाब दो फिर जाना जन्नत में। वो भाई हमारा हिसाब है ही नहीं, हम बेहिसाबे लोग हैं। अरे आप कौन लोग हैं? अब फरिश्तों में इनमें मुकालमा हो रहा है। अरे भाई आप कौन लोग? अब सारा मैदान सुन रहा है, अब कौन लोग हैं? वो कहेंगे जानते नहीं हो, हम सबर वाले हैं, सबर वाले हैं। ओहो, अच्छा भाई बैरियर हटाओ, बैरियर हटाओ। तो ऐसे मेरा अल्लाह सारे बैरियर हटवाएगा, भाई सबर वाले आ गए, सबर वाले आ गए, सबर वाले आ गए। इस्लाम और अल्लाह की कसम, जिंदगी में हुसन सबर से आता है, बर्दाश्त से आता है, गुस्से से नहीं आता। अगर आखिर आपकी फैमिली है, आप घरों वाले हैं, आप दफ्तर वाले हैं, अगर अपने घरों में खुशियां देखना चाहते हैं तो अपने अखलाक ठीक कर लें, बर्दाश्त करना ठीक, बर्दाश्त करना सीख लें, माफ करना सीख। ये दो वो सिफात हैं जिस पर आपका घर आबाद, आपके बच्चे खुश, आपकी बीवी खुश, बीवी का खामिंद खुश, बहन भाई खुश, माँ बाप खुश। जब बर्दाश्त निकल जाती है तो सारा मुआशरा एक आग में आ जाता है, एक आग लग जाती है। और मेरे नबी ने फरमाया ईमान क्या है? सबर करना और माफ करना। आप खाना खा रहे हैं, एक तवायफ गुजरी, उसने आप पर तंज किया, कैसा नबी है जो अकेले अकेले रोटी खाता है, किसी को पूछता ही नहीं। आपने कहा आओ बैठो तुम भी खा लो, सामने बैठा लिया। अब वो तो आपको खाली टॉन्टिंग कर रही थी, तो उसने आपको मजीद चिढ़ाने के लिए कहा मैं ऐसे नहीं खाऊंगी, जो तेरे मुंह में है ना वो निकाल के मुझे खिला। उसके ख्याल तक अब ये कहेंगे तुम दो लित्र मारो तो बाहर कटो, कि ये कह रही मेरे मुंह का खिला। और होना भी यही चाहिए कि कैसी बदतमीज औरत है, कह रही जो तेरे मुंह में वो मुझे निकाल के खिला, पर मैं अपने नबी के अखलाक पे कुर्बान जाऊं। हमने कहा मैं हाजिर। वो जो नवाला मुंह में था वही आपने निकाला और अपने हाथों से उसके मुंह में डाल दिया। पर नबी का लुआब जब किसी के मुंह में जाएगा तो तकी करेगा, फिर जो अल्लाह के नबी का लुकमा उसके अंदर गया, उसने साथी कलमा पढ़ लिया और मक्के की सबसे हया वाली खवातीन में उसका शुमार होने लगा। ये मेरे नबी की जिंदगी है, माफ करना, दरगुजर करना। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, जिसने सबसे ज्यादा मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाई, अल्लाह के नबी पानी पी रहे थे, उनके बेटे ने कहा या रसूलल्लाह थोड़ा पानी बचा दें, उनका बेटे पक्के मुसलमान थे, क्या करोगे? कहा मेरा बाप शायद पी के मुसलमान हो जाए। हमें कह लो, वो गिलास लेकर आए, अब्बा ये पानी पी लो। क्या है? कहा अल्लाह के नबी का बचा हुआ पानी है, पी ले शायद तेरे अंदर ईमान आ जाए। कहने लगा जाओ वहां से किसी का पेशाब ले आओ, मैं वो पी लूंगा, ये नहीं पीऊंगा। हाँ तो उनको इतना गुस्सा आया, वापस आया, या रसूलल्लाह ये पक्का मुनाफिक है, बदबख्त, मुझे इजाजत दे मैं इसकी गर्दन उड़ाता हूं। आपने कहा तेरा बाप है, जाओ उसकी खिदमत कर। हमारा इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे तक आ गया, बस हज उमरा नमाज, हज उमरा नमाज, जिक्र तिलावत, बहुत आला चीज है, अल्लाह का शुक्र है। बाज मुल्क ऐसे बेचारों को पता नहीं नमाज क्या है। नमाज तो हमारे दीन की बुनियादी इबादत है। मन हदम फकद हदम दीन, जिसने नमाज को छोड़ा उसने पूरे दीन को तबाह बर्बाद कर दिया। मन अकाम फकद अकाम दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने पूरे दीन को कायम किया। पहला सवाल था इस्लाम क्या है? इताम ताम वतीबुल कलाम, मीठा बोल। ईमान क्या है? माफ करना और सबर। अब तीसरा सवाल, या रसूल अल्लाह अयुल इस्लाम अफवल, सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? अल्लाह, कितने इस्लाम के खूबसूरत आमाल हैं, नमाज, रोजा, तहज्जुद, तबलीग, जिक्र, तिलावत, हज, उमरे, जिहाद, कितना कुछ है। आपने फरमाया
मन सलिमल मुस्लिमून मिल लिसानिही व यदिही, जो हाथ और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए वो सबसे आला दर्जे का मुसलमान। सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है कि हाथ और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। जिंदगी भर मेरे नबी ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, किसी को जबान से ऐसा जुमला नहीं फरमाया जिससे वो कहे जी मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल तोड़ दिया। क्योंकि जबान कबूल ऐसी बला है कि नबी के भी जिगर के पार हो जाते।